जैसे दोस्तों हमारे पास कमेंट आते जाते हैं, हम उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पर प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों हम बता दें, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो और विकलांग पेंशन हो, इन पेंशनों में जो केवाईसी का जो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, या आपने नाम सही था, आपने रिक्वेस्ट डाली और वो दोबारा नाम के लिए आपने फिर से अप्लाई कर दिया और नाम आपका सही नहीं हुआ और आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, पेंशन के बारे में जो सबसे बड़ा अपडेट है आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम ssp.up.government.in इस वेबसाइट को ओपन कर ले। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप सूची के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो या शहरी क्षेत्र से हैं, तो वो आप चूज करके आपके नाम के जरिए यहाँ पर पता कर पाएंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पेंशन का क्या है। हम दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना लॉग इन प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है, जानकारी दी जाएगी, सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी, जानकारी अधिकारी से भी पूछ सकते हैं, जो हम जानकारी दे देंगे वही जानकारी आपको मिलेगी। हम आपको एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पर आवेदक लॉगिन, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम ओल्ड एज के बारे में बताएंगे, आप वृद्धा विकलांग सेम प्रोसेस होता है, किसी की भी प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉग इन करेंगे। अगर आपका 2021 से पहले का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस लिंक पर क्लिक करना होगा, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है कैसे अपना नया मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, जो इस लिंक में है। पहले से रजिस्टर्ड आवेदक जिन्होंने अपना फरवरी 2021 से पहले आवेदन किया है, वो अपना नंबर दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये प्रक्रिया दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पूरा फुल बताएंगे। हमारे पास ओटीपी यहाँ पर पहुंच चुका है, ये मोबाइल नंबर सेंट यू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहुंच चुका है। इसके बाद हमने कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पर प्रेस करना है। तो इस प्रॉब्लम की बात करेंगे हम, नेम एंड जेंडर अपडेट रिक्वेस्ट और आधार री वेरिफिकेशन। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर हमने यहाँ पर वेरीफाई के लिए अप्लाई कर दिया और वेरीफाई भी हो गया, बट वो नाम गलत है, क्या हम दोबारा से करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो एडिट की डिटेल आ रही है, अगर आप एडिट करके रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से नहीं जाएगा, तो ये हमारा कैसे करेक्शन होगा उसी के बारे में हम बताएंगे। और भी जो बड़ा अपडेट आया है ओल्ड पेंशन में या वृद्धा विधवा, तीनों पेंशनों में बड़ा जो अपडेट आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों बता दें, जैसे हमने यहाँ पर एक लॉग इन किया है, यहाँ पर हालांकि पहले से ही आधार वेरीफाई है, अगर आपके सामने यहाँ रिक्वेस्ट वेरीफाई नाम के लिए आता है तो आपको पहले तो नाम चेक कर लेना है कि यहाँ पर नाम हमारा सही है, तभी आप रिक्वेस्ट के लिए डालें, अन्यथा आप एडिट करके नाम यहाँ पर रिक्वेस्ट डालें। दूसरा दोस्तों, अगर आपका गलती से यहाँ पर आपने सबमिट कर दिया और उसका जो है अप्रूवल होके, वहां से अप्रूव्ड होके समाज कल्याण विभाग से आपके पास फिर से आ गया और वो दोस्तों करेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, आधार ऑथराइजेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको आधार ऑथराइजेशन पर जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर आना है, आपको आधार ऑथराइजेशन के ऑप्शन पर जाना है। दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा होगा आवेदक का नाम, जो आधार कार्ड में अंकित है वो नाम आपका मिसमैच भी आया है, फिर भी यहाँ पर नाम गलत है, तो दोस्तों ये याद रखना है। यहाँ पर लिखा है आधार सत्यापन की प्रयास संख्या, यहाँ पर आपको प्रयास करना है तीन बार से अधिक, मतलब हमारा कहने का मतलब ये फाइनल, ये जो फॉर्म है वो लॉक हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपका करेक्शन कर, नाम को एडिट करने का कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको आधार सत्यापन की प्रयास संख्या यहाँ आपको 3 बार करना होगा, 3 बार से अधिक करेंगे तो ये अपने आप सस्पेक्ट हो जाएगा और ये समाज कल्याण विभाग पहुंच जाएगा। की बात भी सुनाऊंगा, जो कि मैंने अधिकारी से बात की तो उन्होंने यही बताया कि आप 3 बार से अधिक प्रयास करेंगे, ये सस्पेक्ट हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, ये आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, ये हमारे पास आएगा, हम अपने आप ही आपको समाज कल्याण विभाग जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम होगा उस हिसाब से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। सर ये जैसे नाम रिक्वेस्ट के लिए जो आता है, जैसे एक बार में वो सही नहीं हुआ, गलती से वो वहाँ से वेरीफाई हो गया, फिर दोबारा क्या ऑप्शन आता नहीं है, कैसे फिर वो एडिट होगा? अब उसको लॉक कर दो। लॉक कैसे होगा, जब तक तो लॉक ही नहीं होगा जब तक आधार वेरीफाई नहीं होता। नहीं नहीं, मैं आधार वेरीफाई नहीं हो रहा ना, तो उसको 3 चांस होते हैं, देखा उसमें लिखा होता है, तो उसको 3ों बार कर दो तो वो लॉक हो जाता है। ठीक 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 है, फिर सस्पेक्ट में चला जाएगा, फिर मेरे पास आएगा रीसेट करने के लिए, सो हम कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब दोस्तों उस अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि ओल्ड एज पेंशन में बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, ओल्ड एज पेंशन विधवा पेंशन। दोस्तों फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म को आप एडिट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बहुत अच्छा बदलाव किया है SSPUP.government की वेबसाइट पे, जो की उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए
लिए है, चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हों, चाहे विधवा पेंशन वाले हों, चाहे विकलांग पेंशन वाले हों, तो दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर हमने फॉर्म भर दिया और कहीं से गलती से कोई डॉक्यूमेंट भी गलत अपलोड कर दिया या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो वहां पर हमारा फाइनल सबमिट होने के बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन दोस्तों अब बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, हालांकि आप स्वयं से इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जाना होगा। जो आपने पहले फॉर्म भरा होगा वही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, आप कितने भी फॉर्म भर दें वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक ही फॉर्म भरें, उसमें जो भी आपकी मिस्टेकें हों उन मिस्टेकों को समाज कल्याण विभाग में एक एप्लीकेशन देना होगा कि हमारे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई है, कृपया इसको संशोधन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो भी आपका मिस्टेक हुआ है वहाँ पर बड़ी आसानी से आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। फॉर्म ऐसे हैं जिनमें नॉट रिकॉर्ड फाउंड आता है, मतलब इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और अकाउंट नंबर बताता है, और पेंशन मिल रही है अकाउंट नंबर बताता है। हाँ, केवाईसी करने के लिए आधार ऑथराइजेशन वाला। समझ गए। तो पेंशन मिल रही है तो उसमें लिस्ट में नाम जरूर होगा, इनका रजिस्ट्रेशन संख्या भी वही होगा। हाँ, सब कुछ वही है, फिर भी इनवैलिड बताता है। अभी भी वैसे हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी नहीं आ रहा। तो फिर ये इशू हो सकता है साइड ही से होगा, ऊपर से। तब उसके लिए तो हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं ऐसी। लेकिन हम लेकिन ये है कि हम अपनी बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं ना ऐसे, तो हमें तो यहाँ लोकल के लोग हैं तो उनसे मिल ही गया है, तो हम बात करेंगे। तो फिर अगर कोई इशू समाधान निकलेगा तो सबका निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। और हाँ सर, इसकी डेट तो बढ़ेगी? नहीं, डेट इसकी कुछ नहीं है ना, डेट अभी है, 31 जो बताई जा रही वो अभी है नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई लेटर आया नहीं है डायरेक्ट से कि उसमें 31 तारीख निर्धारित कर दी गई हो। भाई सत्र से पहले का कर दिया तो हमने कहा ये तो कोई संभव नहीं है, इतने सारे पेंशन होल्डर हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा, वो बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। जी जी जी, कोई शक वाली बात ही नहीं, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो जाएगा कम से कम 30 जून, 3 महीने तक के लिए तो बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम बता दें, यहाँ पर आवेदक लॉगिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके इसमें संबंधित प्रश्न हो, जो भी आपके सवाल हो, क्योंकि जब आपके सवाल आते हैं तो हम जो भी आपकी समस्या होती है उसके बारे में समाज कल्याण विभाग के हमारे संपर्क के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या सोल्यूशन है। तो देखिए, आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कुछ लोगों को समस्या ये भी है कि यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है। हम बता दें कि जो 2021 से फरवरी 2021 के बाद के रजिस्ट्रेशन है उनमें आपको यहाँ पर आधार सत्यापन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हालांकि वो लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे लॉगिन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हीं फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ओटीपी नहीं जा रहा है या इनवैलिड रिक्वेस्ट ऐसे कुछ करके आ रहा है। हमने भी कुछ फॉर्म चेक किए हैं लेकिन उनका जो है आधार सत्यापन पहले से ही है, क्योंकि दोस्त नहीं आता है या आपका SMS नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म देख लेना है कि हमारा फॉर्म कब भरा गया। अगर 2021 के बाद भरा गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही यहाँ पर KYC आधार ऑथराइजेशन कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वृद्धा विधवा विकलांग तीनों पेंशनों के बारे में बड़ा अपडेट, जो कि आई होप ये जानकारी आप समझ पाए होंगे। तो कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें आपकी समस्या का पता नहीं चलेगा। हमारे लिए प्रत्येक व्यूअर महत्वपूर्ण है, तो जो भी हमारे वीडियो को देखता है हम प्रयासरत रहते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाए। हम दोस्तों यहाँ पर हमेशा सटीक और सही जानकारी देते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।